गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट में लास्ट टू न्यूमेरिकल्स लेंगे। फर्स्ट है आपका कैलकुलेट द वेट ऑफ गियर ब्लैंक ऑफ कास्ट आयरन टेकिंग इट्स डेंसिटी एट 7.4 ग्राम पर सीसी इलिप्टिकल स्पोक ऑफ साइज 4x2 सेंटीमीटर। अब ये गियर ब्लैंक दे रखा है जिसका मटेरियल कास्ट आयरन है, डेंसिटी गिवन है 7.4 ग्राम पर सीसी। इसमें इलिप्टिकल स्पोक, अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका पोर्शन है सर्कुलर पोर्शन ये कहलाता है रिम, और बीच में जो इसके रिब्स बनी हुई है इसको कहते हैं स्पोक, ठीक है। और जो सेंटर पोर्शन है ये कहलाता है आपका हब। अब हब और रिम को कौन कनेक्ट कर रहा है, स्पोक। स्पोक का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन, ये दिखा रखा है सी पोर्शन इलिप्टिकल। इसकी जो साइज है वो गिवन है 4x2, यानी 4x2 मीन्स क्या हो गया, इसमें जो दो एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस हो गई आपकी 4 एंड माइनर एक्सिस हो गई 2। मेजर एक्सिस मीन्स 2a हो गया 4 एंड 2b हो गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट रिम को हमने नाम दे दिया ए, देन जो हब है बीच में सेंटर में उसको दे दिया बी, सी हो गया हमारा ये स्पोक। तो सबसे पहले पार्ट ए का निकालेंगे। अब ए क्या है, इसको हम सिलेंड्रिकल पोर्शन ही है तो ए फॉर्मूला वही होगा π/4d²l, बट इसमें क्या है दो साइज है तो इसको हम होलो पोर्शन मान सकते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा π/4d²-d²। तो फर्स्ट इसका डायमीटर कितना है 30। अब ये जो विड्थ है इसकी ये कितनी है 4, तो अंदर इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 4+4 यानी 8 माइनस कर देंगे 30-8 यानी 22। तो π/4 30² - 22² इंटू इसकी जो विड्थ है वो साइड व्यू में दिख रही है हमें 5। 10 जो विड्थ है वो किसकी है, सेंटर पोर्शन की यानी हब की, और रिम की विड्थ हो गई आपके 5। तो यहाँ पे आ गया 520 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ लिखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि मीन जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, मीन सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस इंटू विड्थ। थिकनेस हो गई आपकी 5, विड्थ हो गई आपकी ये रिम की 4, एंड मीन सर्कमफेरेंस के लिए मीन डायमीटर लेंगे πdm। तो डायमीटर मीन क्या हो जाएगा इसका, ये जो डॉटेड पोर्शन दिखा रखा है सेंटर का, यानी ये अंदर वाला पोर्शन 22, इसमें 4 का हाफ यानी 2 ऊपर और 2 यहाँ नीचे, यानी टोटल 4 जोड़ेंगे, 22+4 मीन्स 26 सेंटीमीटर। तो इससे भी वॉल्यूम आएगा आपके पास 520 π। और पार्ट बी के लिए, पार्ट बी में भी सेम 2 डायमीटर है तो इसका जो है मेजर डायमीटर है एक्सटर्नल वो 6 हो गया और इंटरनल हो गया 4। तो π/4 6² - 4² इंटू विड्थ हो गई इसकी 10। तो ये आ गया हमारे पास 50 π सेंटीमीटर क्यूब। अब पार्ट सी यानी जो स्पोक है या इसको आर्म कह सकते हैं, इसका क्या होगा, इलिप्टिकल पोर्शन है तो क्या हो जाएगा, इलिप्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इसकी लेंथ। अब एरिया क्या हो जाएगा इलिप्स का, π ab। तो ए हो जाएगी सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इस यहाँ दे रखी है 4x2 यानी मेजर 4 है माइनर 2। तो ए सेमी मेजर यानी 4 का हाफ 2 सेंटीमीटर, और बी हो गया सेमी माइनर मीन्स 2 का हाफ 1 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करनी है इसकी लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे इसके साइड व्यू में हम देख सकते हैं कि इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ये जो पोर्शन है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। तो इस सेंटर से यहाँ तक की हाइट हो गई आपकी 15, और इस सेंटर से यहाँ तक की हाइट हो गई हमारे पास 6 का हाफ हो जाएगा यानी 3। ये जो रिम की जो विड्थ है ये कितनी है 4, तो 15 - 3 - 4 यानी ये 3 डायमेंशन और ये ऊपर वाला 4 डायमेंशन, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट ऑफ स्पोक। तो यहाँ हमने लिख दिया 8, तो वॉल्यूम आ गया 16π सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एरिया ए प्लस बी प्लस सी। अब सी कितने पोर्शन है, ये हमारे पास जो स्पोक है वो कितने हैं क्वांटिटी में 4, तो हो जाएगा 4 सी।
तो टोटल वॉल्यूम हम निकालेंगे वी ए प्लस वी बी प्लस फोर वी सी, ये आया 1993 सेंटीमीटर क्यूब। अब वेट निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है तो यहाँ से ग्राम में आया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 14.75 केजी क्या आ गया हमारे पास इसका वेट। लास्ट न्यूमेरिकल है एस्टिमेट द वेट ऑफ 100 आईसी इंजन वॉल्स, स्केच ऑफ विच इज शोन इन फिगर, एज्यूम द वेट ऑफ मटेरियल एच 8 ग्राम पर सीसी। एक आईसी इंजन वाल दे रखा है, उसके 100 वाल्स का हमको क्या निकालना है वेट, जिसकी डेंसिटी हमको दे रखी है मटेरियल की 8 ग्राम पर सीसी। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। तो इसको अगर हम स्प्लिट करें पार्ट्स में तो ये पोर्शन को नाम दे दिया ए, बीच को दे दिया बी। अब सी जो ये कट सेक्शन दिखा रखा है यहाँ पे, मींस यहाँ पे ये इसकी लेंथ क्या है, लंबी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई टोटल 16 सेंटीमीटर, तो इस पोर्शन को हमने नाम दे दिया सी। अब जब ये लेंथ जाएगी यहाँ पर तो ये जो पोर्शन बनेगा दोनों तरफ, मींस ये यहाँ से ऐसे जाएगी, अब इस लेंथ को अगर हम परपेंडिकुलर खींचे तो ये जो दो पोर्शन बन रहे हैं ये क्या किस फॉर्म में बन रहे, फिलेट, इसको क्या कहते हैं फिलेट। इस फिलेट का एरिया भी क्या होगा, इस सेंटर एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, ये रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, गर्डिनस रूल से इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये सी पोर्शन हो गया, डी हमने नाम दे दिया इसको। अब डी किस शेप का होगा आपका, फ्रस्टम ऑफ कोन, कैसे, अगर ये हम डी ऐसे माने कि ये ऐसे है, ये कोन था, ठीक है, अब इसको हमने क्या किया यहाँ से कट किया, तो हमें यहाँ पे भी सर्कल दिखेगा, यहाँ पे भी सर्कल दिखेगा, तो ये जो इसका अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा ये, तो ये क्या हो गया फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इसका एक डायमीटर कितना हो गया, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा डायमीटर क्या हो जाएगा इसका, जो डिटेल व्यू है वो यहाँ दे रखा है, तो यहाँ से सेंटर से ये हाइट है 3.5 और ये भी हाइट है 3.5, यानी 3.5 प्लस 3.5 मीन्स 7 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा डायमीटर। अब पोर्शन ई क्या है, ये आपका स्फेयर का कट पोर्शन है, अब ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में नहीं है बिकॉज ये आपका स्फीयर बन रहा है, इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, क्लियर, और ये पोर्शन बन रहा है आपका ई, मींस ये जो स्फीयर बनेगा वो कहीं आपके ऐसे बनेगा, और ये जो पोर्शन दिखा रहा है यहाँ तक ये क्या है इसका सेगमेंट ऑफ स्फीयर, बिकॉज इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इससे दूर है, उसके ये सेंटर में नहीं है, तो ये क्या बन रहा है इसका ओनली सेगमेंट। अगर ये सेंटर ओ पॉइंट यहाँ ना होकर यहीं पर होता तो क्या हो जाता है ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में, तो ये सेगमेंट ऑफ स्फीयर बना है, इसका डिटेल व्यू हमको यहाँ दे रखा है। एंड लास्ट जो फिलेट पोर्शन बना है इसको हमने नाम दे दिया एफ, इस फिलेट की रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर आर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले पार्ट ए का वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसमें डायमीटर है इसका आपके ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड इसकी लेंथ हो गई 2 सेंटीमीटर, तो पाई बाई 4 1 स्क्वायर इंटू 2। बी पोर्शन इसका डायमीटर है 0.7 एंड लेंथ हो गई 1। सी पोर्शन है इसका डायमीटर 1, लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक यानी 16 सेंटीमीटर। तो तीन पार्ट्स के वॉल्यूम आ गए। नेक्स्ट है पार्ट डी, फ्रस्टम ऑफ कोन, तो जहाँ पर भी फ्रस्टम ऑफ कोन आएगा इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास A1 प्लस A2 प्लस रूट A1 A2 इंटू एच बाय 3। अब A1 A2 क्या होगा, जो भी आपका फ्रस्टम ऑफ कोन बनेगा इसके दो पोर्शन होंगे, एक यहाँ आपका सर्कल होगा, एक यहाँ सर्कल होगा, यानी एक का एरिया हमने कह दिया A1, एक का कह दिया A2। अगर इसको डायमीटर या रेडियस के टर्म में सॉल्व करें तो क्या हो गया पाई बाय 3, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, तो पाई बाय 3 बार आ गया, पाई एच बाय 3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब R1 हो गया एक तरफ की रेडियस, जैसा मैंने पहले बताया अभी यहाँ पे क्या था कि ये जो डायमीटर यहाँ पर 5 है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 5 का हाफ यानी 2.5, और ये डायमेंशन अभी बताया हमने कि ये 7 है यहाँ से कि 3.5 और 3.5, तो रेडियस हो गई 3.5।
तो R1 2.5, R2 3.5 और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू जिसमें पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ डी आ गया 28.56 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे पार्ट ई का। ई क्या है आपके पास? सेगमेंट ऑफ स्फीयर। अब इसके दो फॉर्मूले आपको पहले बताए थे कि अगर या तो स्फीयर का डायमीटर दे रखा है या फिर जो सेगमेंट है इसकी अगर ये लेंथ दे रखी है, तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला हो गए। हमें यहाँ पे डायमीटर गिवन है, बिकॉज ये देखो ये डिटेल ऑफ ई है पोर्शन की। इसकी जो रेडियस है सेंटर से ओ, ये कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। मींस हमारे पास रेडियस है मींस डायमीटर है, तो हम ये फार्मूला यूज में लेंगे। 5/6 h² 3d - 2h, डायमीटर हो गया 16 सेंटीमीटर। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? इसकी हाइट यानी सेगमेंट की हाइट क्या होगी, ये h। तो यहाँ पर ये हाइट क्या हो जाएगी? h, ये वाली हो जाएगी हाइट। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेंटर पॉइंट O से अगर हम इसको नाम दे दें ए बी, तो ओ बी क्या हो जाएगी हमारे पास? इसकी स्फीयर की रेडियस मीन्स 8 सेंटीमीटर। अगर हम ओ जेड कैलकुलेट कर ले तो हमको क्या निकालना? बी जेड मीन्स ये हाइट h, तो बी जेड क्या हो जाएगा पास हमारे पास? ओ बी माइनस ओ जेड। ओ जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, ट्राइंगल ए जेड ओ। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हमारे पास 8 है, इसकी हाइट दे रखी है हमको डिटेल व्यू में 3.5। तो यहाँ से ओ जेड हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ ए स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर, तो 7.193 सेंटीमीटर। तो हमको बी जेड निकालना है यानी सेगमेंट की हाइट निकालनी, वो हो जाएगी 8 - 7.193 0.807 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करेंगे तो वॉल्यूम आएगा 15.817 सेंटीमीटर क्यूब। अब लास्ट पोर्शन बचा है फिलेट। अभी हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास फिलेट कैसे बन रहा है। ये इस फॉर्म में यहाँ पर ये फिलेट बन रहा है, ठीक है। तो ये फिलेट क्या हो रहा है? इस सेंटर एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी सेंटर लाइन से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास? ये दे रखे 1 1 का हाफ यानी 0.5। और फिर हमें आगे क्या कैलकुलेट करना है? इसकी सी जी। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जेड हमारे पास, वाई हम क्या ले रहे हैं? इसकी जो पाथ बनेगा, जो रिवॉल्विंग का पाथ बनेगा उसकी रेडियस। तो वाई क्या हो जाएगा? ए प्लस जेड, जेड हो गई 0.5। ए क्या हो जाएगा? सी जी। जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि ट्राइंगुलर की सी जी क्या होती है, पोर्शन की ट्राइंगल की सी जी h/3 होती है, वैसे ही आपको याद रखनी है कि फिलेट की सी जी होती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.223 r। r हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर r। तो यहाँ हम रेडियस की वैल्यू रखेंगे 0.223 × 2 + 0.5, तो y हमारे पास आ गया 0.946। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फिलेट क्या हो जाएगा बाई गर्डिनस रूल से? गर्डिनस रूल से क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रिवॉल्विंग फिगर यानी एरिया ऑफ फिलेट इनटू सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी? 2π y। y हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एरिया ऑफ फिलेट क्या होता है? 0.215 r² चाहे तो आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि सपोज ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ अगर हम एक इसको सेंटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो पोर्शन क्या है हमारा, ये क्या हो जाएगा? इस सर्कल का 1/4 पोर्शन। और ये जो पोर्शन बनेगा पूरा, ये क्या कहलाएगा? फिलेट। तो हमें क्या निकालना है? ये पोर्शन, इस पोर्शन का हमको क्या निकालना है? एरिया। तो अगर ये स्क्वायर है तो इसका अगर साइड हम आर लेते हैं, क्योंकि आर रेडियस का हम ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? r². अब इस स्क्वायर के एरिया में से अगर हम इतना सा एरिया माइनस कर दें जितना ये सर्कल का पोर्शन कवर कर रहा है, तो ये कितना एरिया हो गया? सर्कल का एरिया हो गया π r² और ये इसका 1/4 पार्ट हो गया, तो इसको हम माइनस कर देंगे π r² / 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.215 r², तो ये क्या होता है? फिलेट का एरिया।
तो आर की वैल्यू रख दी, वाई की वैल्यू रख दी, वॉल्यूम ऑफ ई आ गया। अब हम सब के वॉल्यूम को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और ये फिलेट का वॉल्यूम भी क्या होगा, इसमें ऐड होगा। तो ये सारे वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आया है 63.984 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम है हमारे पास, डेंसिटी गिवन है, तो हमने वेट निकाल लिया, ग्राम में इतना आया, और केजी में कन्वर्ट किया तो 0.511 केजी आया वेट ऑफ वन आईसी इंजन वाल्व। ऐसे हमें क्वेश्चन ने पूछा है 100 आईसी इंजन वाल्व्स का वेट क्या होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 51.1 केजी क्या हो गया, 100 आईसी इंजन वाल्व्स का वेट। तो यहाँ पे हमारा ये एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वाला न्यूमेरिकल पोर्शन है जो चैप्टर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।